आज हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं और किस प्लानिंग को करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये समझने की बात है। सबसे पहले सुन लीजिए ध्यान से कि अपन किस पर्पज से इकट्ठे हो रहे हैं। हर संडे बैठ रहे हैं, संडे आज से बैठना शुरू किए हैं। इस क्लास में जो संडे क्लास जो मैं ले रहा हूँ, इस क्लास में बहुत आगे की बातें आपको जानने को मिलेंगी, अनुभव करने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखेंगे। आप लोग सिंगर बनना चाहते हैं, सब लोग सिंगर बनने के पर्पस से ही म्यूजिक की इस क्लास को, आप लोगों ने वोकल की क्लास को ज्वाइन किया है कि आप गाना गाना चाहते हैं और बहुत अच्छे वाले सिंगर बनना चाहते हैं। ऐसा भी नहीं कि और अच्छे वाले बनना चाहते हैं इसका मतलब आप यहाँ इसीलिए आए हैं, संगीत प्रवाह वर्ल्ड में आए हैं, इसका मतलब द बेस्ट वाला काम होना आपका, ये सोच करके आए। हम जो भी इंस्टीट्यूट चूज करते हैं यही सोच के करते हैं कि यही मेरा कल्याण होगा। वो इंस्टीट्यूट आपको अच्छा लगता है, उस इंस्टीट्यूट की कुछ अच्छी अच्छी बातें आपको पता होती हैं पहले से, इस वजह से आप उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं। तो आपने संगीत प्रवाह वर्ल्ड को अगर ज्वाइन किया है तो ये सोच करके किया होगा कि यहाँ अपना सबसे अच्छा वाला काम होगा। जो आप जानना चाहते हो, जो आप सीखना चाहते हो या जो आप करना चाहते हो, वो सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है। तो इसी के लिए कि वो सब आपको मिले, जो आपकी आकांक्षाएं हैं, जो आपके मन में जो इच्छा है करने की, वो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाए, इसके लिए हमने ये संडे की क्लास एक्स्ट्रा ज्वाइन कराई है। इस क्लास में आप लोग जो सीख रहे हो उससे रिलेटेड बात नहीं होगी कि जैसे आप अलंकार कर रहे हैं या थाटों पे हैं या स्केल्स में आप कन्वर्ट करते हुए चल रहे हैं, तो वो सब बातें यहाँ नहीं करेंगे। सीख जाने के बाद क्या स्थिति होगी उन बातों में हम अभी से आपको डालना शुरू कर रहे हैं कि जैसे आप बहुत बढ़िया सीख गए हैं, आप कुछ भी गा सकते हैं, कुछ भी बजा सकते हैं, अपनी मर्जी से क्रिएट करने लग गए, कुछ रचनाएं भी आप करने लग जाएं, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आपको जाना होगा स्टेज पे, स्टेज परफॉर्मेंस। अब स्टेज परफॉर्मेंस में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जिन्हें हमें पहले से ही मेंटली उसके लिए प्रिपेयर रहना होता है कि अचानक हमसे कोई कह दे कि आज ये गाना सुना दीजिए, तो वो प्री प्लान नहीं है, कुछ भी गा दिया और निकल गया उल्टा सीधा। पर जब हम स्टेज परफॉर्मेंस की बात करते हैं, कहीं प्रोग्राम आपको मिल रहा है कि लोग आपको सुनना चाहते हैं, जैसे आप तैयार हो गए, अब आपको समाज में आपको कहीं एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया एज ए मैन आर्टिस्ट, आप ही हैं, पूरी स्टेज को आप संभालेंगे, वो जनता जो सुनने आई है, जो श्रोता है, जो दर्शक हैं, वो आपकी वजह से आए हैं, आपसे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं उनको, उन्होंने सुना था कि आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर सकते हो, इसलिए उन्होंने आपको कॉन्टेक्ट किया और आपको उस प्रोग्राम को करने के लिए बुलाया गया। तो आपको उस प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए, उस पब्लिक को फेस करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी वो समझने की बात है। सबसे पहले आपको आवश्यकता पड़ेगी अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को कि हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं पब्लिक को बांध सकता हूं, मैं पब्लिक को अपने अंडर में रोक सकता हूं, कोई इधर उधर नहीं भटके, मेरी बात को मैं अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूं, व्याख्या कर सकता हूं कि मैं क्या कहने आया हूं, मैं किस गीत को सुनाने आया हूं, उस गीत की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करने आया हूं मैं। उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार हो, कॉन्फिडेंस हो, और वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपको नॉलेज होगा कि जो भी गीत आप गा रहे हो, जो भी रचना आप सुना रहे हो, आप उस गीत पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि इसका मीनिंग क्या है हमें जानते हैं, शब्दों के अर्थ क्या है हमें पता है, इसमें कौन सा राग प्रयोग में हो रहा है जिससे हम म्यूजिशियंस को कंट्रोल कर सकते, हमें पता है कि किस राग में है ये गीत, तो हम म्यूजिशियन को बता सकते हैं कि सुर गलत नहीं लग जाए, बजाने वालों को हम रिदम सिखा सकते हैं कि कौन सा रिदम बजना चाहिए हमारे गाने में, किस तरह का ठेका इसमें लगना चाहिए, उस बात का ज्ञान हमें है, तभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तभी हम स्टेज पे चढ़ें। सबसे पहली रिक्वायरमेंट नॉलेज, और नॉलेज से आपको आएगा कॉन्फिडेंस, फिर आप किसी से नहीं घबराएंगे स्टेज पे जाके, फिर आपको वहां बिंदास बोलना है और अपनी रचना को प्रस्तुत करना है। अब श्रोता कई प्रकार के हो सकते हैं,
एक वो श्रोता हो सकते हैं आपके जो जिन्होंने संगीत का कुछ भी नहीं कभी समझा, कि सारे गमा पद निशा क्या होता है वो श्रोता नहीं जानते, शास्त्रीयता क्या है संगीत की श्रोताओं को नहीं पता है। हमें ये देखना होगा कि हमारे श्रोता किस तरह के हैं, संगीत को ना समझने वाले हैं या संगीत को समझने वाले हैं। संगीत को समझने वाले श्रोता गुणी जन जब आपके सामने बैठे होते हैं उस समय आपकी शास्त्रीयता को निखार के पूरी तरह से उनके सामने प्रस्तुत करना है, ताकि वो जो चीज़ वो समझना चाहते हैं, वो जो तुम्हारे अंदर देखना चाहते हैं, तब तो तुम अपनी क्लासिकल की जो नॉलेज है वो आपकी गायकी में दिखाइए। और अगर ऐसे श्रोता हैं जो संगीत को बिल्कुल नहीं समझते, सिर्फ एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट ही करने आए हैं, केवल मनोरंजन करने आए हैं आपके ऑर्केस्ट्रा का, जो आप प्रोग्राम लेके गए हो उसमें पूरा ऑर्केस्ट्रा आपके साथ है, 5-6 वाद्य यंत्र आपके साथ बज रहे हैं, तो उन सबका आनंद लेने के लिए लोग आए हैं कि बांसुरी कैसे बजती है वहाँ देखने को मिलेगा, सितार कैसे बजता है देखने को सुनने को मिलेगा, और हमारे जो सिंगर हैं वो क्या क्या चीज़ें गाने वाले हैं, वो चीज़ें भी उनके शब्द भी ऐसे हों जो उनके आम जिंदगी से ताल्लुक रखते हों, जो गीत आप गाने जा रहे हो उन गीतों के संबंध, उन गीतों के शब्दों का संबंध उन लोगों की जिंदगियों से हो जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, तो वो जल्दी से आपको फॉलो करेंगे, बहुत जल्दी से आपको कैच करेंगे। आपके गीत उस ढंग के ही हों या वो प्रचलित गीत हों जो बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहे हैं, जिनको लोग सुनना पसंद करना चाहते हैं, प्रचलित गीतों को भी आप उनके सामने परोस सकते हैं जो नहीं समझते हैं श्रोता में, लेकिन जो समझदार श्रोता है उनके सामने आप अपनी नई रचनाएं भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्तुत कर सकते हो, क्योंकि वो उसकी कदर करेंगे। कुछ नया आएगा तो वो लोग जानकार लोग इसकी कदर करेंगे, लेकिन ना समझ लो आपकी नई रचना को एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि आप क्या सुना रहे हो, एकदम से उनके दिमाग में नहीं बैठेगा, उसको बातों ही बातों में घुमा घुमा के, कलाकार की ये खासियत होनी चाहिए कि वो फिर बातों ही बातों में घुमा घुमा के उनको अपने गीतों के शब्दों की तरफ आकर्षित कर ले, क्योंकि नई रचना है, नई रचना का भाव क्या है, नई रचना के मीनिंग्स क्या है वो पहले उनको समझा दें, हम जो करने जा रहे हैं वो पहले उनको बता दें जनता को कि हम ये करने वाले हैं, ताकि वो उनका ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो। अचानक आपने कुछ भी गाना शुरू कर दिया तो उनको पल्ले नहीं पड़ेगा, कई बार म्यूजिक बहुत हावी हो जाता है, आपने क्या शब्द कहे वो हिसाब लगाने नहीं बैठेंगे कि आप क्या मीनिंग बोल रहे हो, जो शब्द गा रहे हो आप उन शब्दों का मीनिंग क्या है ये हिसाब लगाने के लिए जनता के पास टाइम नहीं है, और ना इतने समझदार लोग हैं वो, आपको समझाना है एज एन आर्टिस्ट, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी भूमिका है कि आप स्टेज पे जाकर के ये बताएं पहले कि मैं क्या करने वाला हूं, और बताने का अपना अपना तरीका हो सकता है, बताने का भी अपना एक तरीका होता है, एक तो सीधी लठमार भाषा में कह दिया कि मैं ये गाने गाना जा रहा हूं, एक छोटे बच्चों की तरह कविता पाठ करके कह दिया वो भी ठीक नहीं, ऐसी भाषा का प्रयोग करो जो उनमें से ही मिलती जुलती हो, जो श्रोताओं को आकर्षित करने वाली भाषा हो, आपकी लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज हो जाए, जो जिस लैंग्वेज के लोग बैठे उस लैंग्वेज को यूज करते हुए उनसे बातचीत करना शुरू करें। जब आप श्रोताओं से बातचीत करते हैं तो वो अपना तुसावाह हो जाता है, थोड़ी सी देर में आपके रिलेशन बन जाते हैं। सबसे पहले रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है, आपकी किसी भी रचना को प्रस्तुत करने से पहले आप एक रिलेशन कायम करें अपने और जनता के बीच में, जो ऑडियंस बैठी है उसके बीच में, और वो रिलेशन आई कॉन्टेक्ट से हो सकता है, आंखों से लोगों की तरफ देखिए, इशारों से हो सकता है कि पीछे बैठने वाले भाई बहनों आपसे बात कर रहा हूं, है ना, इस तरह के भाव हो सकते हैं, बीच में बैठे वाले चाचा जी, ये शब्दों का प्रयोग जब तक आप नहीं करेंगे। माताएं बहने, बच्चों से निवेदन है, और पीछे जो बुजुर्ग लोग खड़े हैं, ऐसे शब्दों का जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे जनता से आपका रिलेशन उस समय नहीं बनेगा। सीधे सीधे स्टेज पे चढ़ के डायरेक्ट गाना शुरू किया और ऑर्केस्ट्रा वालों से बातचीत कर रहे हैं आप, इसका मतलब बहुत कच्चे खिलाड़ी हैं आप। स्टेज पे जब कलाकार चढ़ता है तो सबसे पहले जनता को प्रणाम करता है, इन्हीं की वजह से हम यहाँ हैं, सबसे पहले हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के चरणों में प्रणाम, जनता जनार्दन के
और कुछ भी गलती करने वाला हूं जो मैं, उसकी माफी पहले से ही। ये मांग लेने के तरीके हैं कि पहले से ही जब आप इस तरह से बातें करोगे वहां बिल्कुल पोलाइट होकर के, बहुत ही सज्जन और सुशील बन करके। दादागिरी से संगीत का प्रोग्राम नहीं होगा कि आप जाते ही रिवॉल्वर निकाल के खड़े हो जाए और कहते हैं कि सुनना पड़ेगा, जिसने भी नहीं सुना गोली मार देंगे। ये भाषा वहां नहीं चल पाएगी, इसका कोई जबरदस्ती है ही नहीं। जनता को, जो ऑडियंस है आपकी, उसको तो मजे लेकर के, उनके साथ रूबरू होकर के अपनी बात को परोसना होता है। ये कलाकार की खास बात है, वही सच्चा कलाकार जो इस तरह से जाकर के जनता के बीच में और अपनी बात को रखने का एक नया अंदाज लेकर के जाए। बातचीत करो उनसे। अब ये बातचीत, जैसे हम ये नहीं कह सकते कि जो अब तक लोग करके चले गए या जो आज की तारीख में प्रोग्राम कर रहे हैं उनको देख करके हम सीख लें कि उन्होंने जो बोला वही हम बोल दें, नहीं। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए उस समय, आपकी अपनी एक पहचान चाहिए कि आप क्या बात करना चाह सकते हो, कैसे कर सकते हो आप बातचीत, वो अपने ढंग से तैयार करना। ये नहीं कि मास्टर सलीम जैसा बोल रहे हैं हम भी वैसा ही बोल लेंगे जनता के सामने, तो हम उनके जैसे हो जाएंगे। आपका एक अलग अंदाज हो ना बात करने का, जनता को लुभाने का। अब देखो आरजे या जो प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं लोग इस तरह से, तो एकदम से पब्लिक के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं कि जैसे कि बस ये इन्हीं में से एक हो, वो कोई अलग नहीं। तो हंसी मजाक से, चुटकुले से, मौसम का जिक्र करने से कि अभी क्या चल रहा है, बरसात हो रही है तो बरसात की बातें करो उनसे, क्या क्या खाया जाता है बरसात में वो बातें करो। मौसम की बात अगर हो रही है तो आपको मौसम के का हालचाल सुनाना है पहले स्टेज पे। आज तो बड़ी बरसात का मौसम है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, सबको आनंद आ रहा होगा जहां तक मैं महसूस कर पा रहा हूँ। आप सबके चेहरों को देख करके ये लग रहा है कि वाकई बरसात का जो आनंद है वो आप ले रहे हैं। इस तरह से कुछ मुस्कुराते हुए आपने उनसे बातचीत मौसम की कर ली, तो थोड़ी सी देर में लोगों को लगा कि हाँ ये आपको सुनना चाहेंगे कि आप और आगे क्या कह रहे हो, आगे आप और क्या कहना चाहते हो, उसको सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। ज्यादा गर्मी पड़ रही तो गर्मी की बातचीत कर लो, कोई ऐसा शेर शायरी पहले से ही तैयार रखो। ये पहले से प्री प्लान करके जाना होता है स्टेज पे कि कुछ शेर शायरियां बीच में ऐसी बोलेंगे जो मौसम से रिलेटेड होंगी, तत्कालीन परिस्थितियों से पर आधारित होंगी, जो न्यूज चल रही है, करंट अफेयर्स को लेकर के आपका नॉलेज पूरा होगा जनता को अट्रैक्ट करने के लिए, कई बातें होंगी। कुछ फिल्मों का जिक्र भी आप कर सकते हो क्योंकि जनता फिल्मों से बहुत प्रभावित होती है कि अभी नई नई फिल्म आ रही उसमें ऐसा था, उसमें ऐसा हो रहा है, ऐसी बातचीत करके उनसे। और धीरे धीरे ये सूत्रधार का काम है। सूत्रधार का मतलब होता है कि वो अपनी बात को कहते 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 ऐसी जगह मोड़ के आपको ले जाता है कि क्या हम करने वाले हैं, आपके जो विचार है उन विचारों को आपके प्रोग्राम में घुसा देता है। ये सेल्फ प्री प्लान करने की बातें हैं। हम सिर्फ टेक्निक्स बता सकते हैं कि ये चीजें चाहिए, वो टेक्निक्स क्या है वो आपको अपनी तैयार करनी है। सबसे पहला काम जनता को अपने फेवर में करना, कि लोगों को अपनी बात को सुनाने के लिए मजबूर कर देना, ऐसी ही कुछ बातें करनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद जो गीत आप गा रहे हो हमेशा उसको एक जैसा नहीं गाते रहना, थोड़ा सा गाया और फिर क्या गाया वो तो पहले ही बता दिया था, अब क्या गाने वाले हैं वो अब बता रहे हैं। उस गीत का जो अर्थ है वो आपकी निजी जिंदगी से क्या संबंध रखता है उसका आनंद लें, श्रोताओं को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो इस बात को समझें कि आपका जो गीत का जो असली आनंद है वो इन अर्थों को समझने में है जो आप सुना रहे हो, ये सब समझने की बात होती है। तो ये हमें करना है, इसी को करने के लिए हमने ये एक प्रोग्राम का निर्माण कर रहा हूं कल्पित, कि मान लीजिए एक प्रोग्राम आ गया और अपने को सब तरह से उस प्रोग्राम को करना ही है, तो उसकी एक प्लानिंग हम अभी से कर रहे हैं। हमने एक अज्यूम कर लिया है, हमने मान लिया है कि एक प्रोग्राम है जिसमें मास्टर निषाद को मेन आर्टिस्ट की तरह बुलाया गया है और ये उस प्रोग्राम को संभालेंगे। अब उसको संभालने से पहले इनको क्या क्या तैयारी करनी है, कैसे कैसे चलेंगे, किन किन चीजों को इनकी जरूरत पड़ेगी, वो हम यहीं इसी वक्त हाथों हाथ बनाते जाएंगे और उनको तैयार करते जाएंगे। फिर वो चीजें सबसे बुलवा के देखेंगे
कि मान लो निषाद की जगह ये होते तो क्या करते, कैसे बोलते। सिचुएशन आपको दे गई, उस सिचुएशन को आपको संभालना है, आपको यहां सिचुएशन को डील करना है कि ये प्रोग्राम चल रहा है, बाकी सब जनता यहां बैठी हुई है, आप मेन स्टेज पे बैठ करके अपनी बात को परोस रहे हैं, किस ढंग से कह पा रहे हैं, हिंदी में अंग्रेजी में जैसे भी कह पा रहे हैं, सब मिला करके लोगों से को संबोधित करने का तरीका सीखना है। इसके माध्यम से जो ये संडे की जो क्लास हो रही है, उस संडे की क्लास के माध्यम से हम ये सीखेंगे कि गाएंगे कैसे और गाने के साथ साथ उसको व्याख्या कैसे करेंगे, किस तरह से जनता तक अपनी बात को हम पहुंचाएं और कैसा रोल आपको उस समय करना पड़ रहा है, ये सब बातें यहां करके देखना है। ऐसा नहीं कि खाली जो हो रहा है उसको सुन लिया और देख के चले जाए, खुद अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना। आज नहीं होगा इम्प्रूवमेंट, अगले संडे होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उसके अगले संडे आएगा, और जो बीच में एक सप्ताह मिलेगा उस पूरे सप्ताह में आपको ये सोचते रहना है कि अगले संडे हमें ये करना था, तो उसके लिए हमारी तरफ से तो ये प्लानिंग है, हमने ये शेर शायरियाँ इकट्ठी की हैं, हमने ये मसाला जमाया है, उसकी एक अलग डायरी बनेगी कि जो स्टेज पर काम आने वाली चीज़ें, जो लाइव परफॉर्मेंस यूट्यूब पर या कैमरे के सामने परफॉर्म करना अलग बात है, और एक भीड़ को कंट्रोल करके फिर उनके अंदर अपनी बात को परोसना बहुत ही अलग बात है टेक्निकली। तो उसका एक अभ्यास, उसका एक मेंटली प्रिपरेशन पहले से ही हो कि हम किस तरह से स्टेज पे जब जाएंगे तो कैसे डील करेंगे, कितने घबराएंगे कितने नहीं घबराएंगे, वो सब हमें निकाल के रखना है। इसलिए हमने कहा था महेश को कि बहुत जरूरी से आए, क्योंकि वो स्टेज परफॉर्मेंस अभी करता भी है, महेश भी इस बात को सुने समझे और बहुत कुछ अपने अंदर सुधारे कि मुझे स्टेज को किस तरह से डील करना है, वो सब बातें ध्यान रखने की है। इसीलिए हम यहाँ बैठते हैं, संडे बैठेंगे और ऐसी ही बातों पर कुछ रोज चर्चा होगी और प्रैक्टिकली करके देखेंगे। नहीं होगा तो हम सिचुएशन यही और इसी वक्त अभी के अभी तैयार करेंगे, कुछ शेर व शायरियाँ लिखनी होगी तो लिखेंगे, कुछ और बीच के डायलॉग्स होंगे जो आएंगे उनको नोट करेंगे, आप अपनी डायरी पेन कॉपी सब साथ में रखना हमेशा। अभी नहीं लाए तो कोई बात नहीं, पर नेक्स्ट टाइम एक डायरी इसी बात की बनेगी कि स्टेज परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ बातें हैं जो हमारे मुँह से यहाँ से निकलेंगी जो आप तक पहुँचेंगे, आप उनको नोट भी करेंगे। हालांकि हम वीडियो भी क्रिएट कर रहे हैं ताकि दोबारा कभी कोई बात ऐसी हो जाती है कि याद ही नहीं आएगा उस दिन क्या कहा था, तो उसका सबूत है कि हमने क्या बोला था, सब कुछ रिकॉर्डेड है और उस बात को हम फिर से देख सकते हैं। आपको भी वीडियो मिल सकता है ये कि आप घर जाके फिर से इन सब बातों को सुन लें कि हमने क्या क्या खास बातें बताई। तो मैन यही बातें हैं स्टेज को पकड़ने की कि सबसे पहले तो आपका नॉलेज कंप्लीट हो, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा, जब आपको सब्जेक्ट का ज्ञान होगा तो बोलोगे, और अभी जो हम बातें कर रहे हैं उन्हीं बातों को सुन सुन करके आपके मन में एक समरी क्रिएट होती है कि मैंने जितनी बातें अभी बताई उनका एक छोटा सा सारांश आपके दिमाग में है, उस सारांश को विस्तार करना है धीरे धीरे, उस पर रोज विचार करना है कि आज क्या कहा गया था, उस पर मंथन करिए, क्या वो क्वालिटी आप में है, क्या आप घबराते हैं स्टेज पे चढ़ने से पहले, क्या आपके अंदर कुछ ऐसा दिक्कत आती है, तो वो सब बातें आप अपने अंदर एनालिसिस करेंगे खुद से कि जो जो कहा गया वो क्या हम कर पा रहे हैं, और यहाँ बेधड़क करके देखेंगे, पहले से प्री प्लान करके आएंगे, अपनी पूरी तैयारी से हर क्लास में बैठेंगे कि हमें क्या क्या आज करवाया गया था, उसमें हम कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं, उसको दूर करना है, उस कमजोरी को दूर करना है और यहाँ आकर के उसको परफॉर्म करने की आदत डालनी है। इसीलिए हम यहाँ बैठेंगे हर संडे, टेक्निक्स बताएंगे, परफॉर्मेंस की टेक्निक्स कैसी होती है और किस तरह से, उदाहरण सहित जो एक आइटम हमने लिया, मान लो कोई एक चीज ली और उसको हम परफॉर्म करने के लिए क्या क्या भूमिका बना सकते हैं, उस भूमिका को हम पहले यहाँ बनाएंगे और बना के आप में फेंकेंगे, आपको दिखाएंगे, मैं भूमिका बना के दूंगा, मैं बोलूंगा, बोलने के बाद उसी बात को समरी की तरह आपको यहाँ आकर के बताना कि आपने जो जो भूमिका बनाई थी अब इसी भूमिका को मैं मेरे अंदाज में बना रहा हूँ। ये बनाने की प्रैक्टिस, भूमिका बनाना सीखना है। अच्छे आर्टिस्ट आप गाते भी अच्छा हो, बजाते भी अच्छा, सब कुछ है, लेकिन उसका जो प्लान है वो नहीं दे पा रहे, गीत क्या कहना चाह रहा है हम नहीं बता पा रहे हैं लोगों को, हम सिर्फ गीत सुना रहे हैं। तो ऐसा केवल गीत न सुना के
गीत की पूरी भूमिका, पूरा उसका अस्थिपंजर, उसमें राग वाग सब क्या क्या है, कैसे है, पूरी पहले लोगों के दिमाग में बात को बिठाना है, और उस बात को बिठाने का जो तरीका है, जो ढंग है, वो हमें सोचना है कि हम इस बात को कहना चाहते हैं तो हमारे फेस के एक्सप्रेशंस कैसे होंगे। अगर मान लो हम किसी खुशी की बात को गीत में जाहिर करना चाहते हैं तो आपके चेहरे पर भी स्माइल चाहिए, और हम कोई दर्द भरी बात लोगों को समझाना चाहते हैं या कोई जीवन का सत्य बताना चाहते हैं तो उसका गंभीरता आपके फेस पे दिखनी चाहिए, आपकी वाणी में वो गंभीरता आनी चाहिए, आपके सेंटेंस में जो साउंड का जो प्रयोग हो रहा है, जो आवाज का प्रयोग हो रहा है, उसका फोर्स कम या ज्यादा हो सकता है शब्द के भाव के अनुसार। ये बहुत ही बड़ा समुद्र था, ऐसा अगर कहना है तो एक विशाल समुद्र था, हाथ इस तरह से खुल जाते तो विशाल था, और अगर हम ऐसे कहते एक बहुत बड़ा समुद्र था तो क्या उस बड़ेपन की या ये विशालता का मीनिंग यहाँ झलका नहीं। बड़ी बात कह रहे हैं तो बड़ा एक्शन होना चाहिए, आपका पूरे शरीर इस तरह से हो जाए, झूम जाए। आकाश की बात कर रहे हैं तो आकाश की तरफ देख के बात करेंगे, धरती की बात कर रहे हैं तो धरती पर इस तरह से आपके एक्सप्रेशन होंगे, दिशाओं की बात कर रहे हैं तो चारों दिशाओं में कोई ऐसा नहीं हो सकता। तो ये इस तरह से बॉडी लैंग्वेज और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सब बहुत मायने रखते हैं आपकी बात को प्रभावी बनाने में, कि आपकी बात कितनी प्रभाव दे रही है लोगों पे। जो आप कह रहे हो वो कहने का ढंग उसी के अंदर छुपा हुआ है, उस वाक्य के अर्थ में ही ये छुपा हुआ है कि आपका हाथ कैसे चलेगा, क्या आपकी आंखें क्या बोलेंगी उस समय, आपका फेस उस समय क्या, आपकी भौहें किस तरह से होंगी। आश्चर्य की बात करेंगे तो आपका फेस जिस तरह से हो जाना चाहिए, डर की बात होगी तो कांप जाएंगे आप बोलते बोलते। ये बातें हैं, इन बातों पर ध्यान देना है, इन्हीं बातों को क्लियर करने के लिए हम इस संडे वाली क्लास में बैठ रहे हैं। इन्हीं विषयों पर बातचीत भी होगी और साथ ही साथ कुछ प्रोग्राम की तैयारी भी होगी, जो हमने कुछ गीत लिखते जा रहे हैं, उन नए नए गीतों को लिख रहे हैं। पुराने गीतों को गा गा करके तो प्रोग्राम बहुत लोग कर ही रहे हैं, लेकिन जब तुम्हारी टीम, संगीत प्रभा वर्ल्ड की टीम जब कहीं परफॉर्म कर रही है तो कुछ नई बात करते हुए आएगी, और वो ऐसी बात होगी जिसको समझाना भी है। नई बात जब तक हम नहीं समझाएंगे लोगों को तब तक उनको एक्सेप्ट भी नहीं होगा कि आप क्या गाना लाए हो। इस गीत को एक्सेप्ट करवाना है कि आप इसको समझिए, और जरूरी है आपको समझाना, आपके आपको सुनाना कि जो भी गीत हम लेने जा रहे हैं उसको हम ही पॉपुलर बनाएंगे। बाकी दूसरे पॉपुलर गीतों को गा करके आप पॉपुलर नहीं होंगे, जनता को तो वही पसंद है। जनता को क्यों पसंद है वही, क्योंकि लोगों ने उनको वही सुनाया। हम जो जनता को सुना दें, जनता के दिल में दिमाग में क्या बात अच्छी लग जाए आपकी, ये जानने वाली बात है। वो बात कौन सी अच्छी लगती है जो आपने अच्छी लगवाई है, थोड़ी उसमें चूरन चटनी मिला के, थोड़ा सा मसाला मिक्स करके आपने परोसा है उसी गीत को, किसी भी गंभीर बात को किस तरह से परोस रहे हैं, आपकी धुन कैसी है, आपका गीत गाने का तरीका कैसा है, आपका उसको समझाने का स्टाइल क्या है, ये बातें हमें पहले से प्रिपेयर करनी है। इन्हीं बातों की प्रिपरेशन के लिए हम यहाँ बैठ रहे हैं, इन्हीं बातों पे यहाँ चर्चा होगी और कुछ गाएंगे कुछ बजाएंगे। ठीक है, जय हो।